नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पढ़ी थी, आज हम उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत क्लियरली समझ में आएंगे। क्लियर है बच्चों? तो चलिए पहली प्रॉब्लम देखिएगा। गिवेन है एक लॉग 5 बेस 4 इक्वल टू ए एंड लॉग 6 बेस 5 इक्वल टू बी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग 2 बेस 3 इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। यानी कि ये दो क्वांटिटी गिवेन है और लॉग 2 बेस 3 की वैल्यू चाहिए ए बी के टर्म में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, चार ऑप्शन है, मैंने चार ऑप्शन ना लिख के वो सीधा आंसर ही लिखूंगा मैं इसका। क्लियर है बच्चों? तो आइए साहब, आप इसको और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ए और बी को आपस में। तो क्या है ये, इस लॉग 5 बेस 4 को लॉग 5 ओवर लॉग 4 लिख सकते हैं। मैंने बच्चों आपको लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो बेस चेंज फॉर्मूला बताया था कि नहीं, तो इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 5 ओवर लॉग 4, और इसे क्या लिख सकते हैं, लॉग 6 ओवर लॉग 5। दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल टू ए भी आ गया, लॉग 5 से लॉग 5 गया, अब बचा लॉग 6 ओवर लॉग 4, ए भी आ गया। बच्चों लॉग 6 को लॉग 2, अब बेस ई है, मान लीजिए मैंने ई डाला इसमें सपोज करो, तो लॉग 6 को 2 इंटू 3 और लॉग 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, ये हो गया लॉग एम एन को लॉग एन प्लस लॉग एन ओवर लॉग एन की पावर एल्फा बेस ई, तो ये एल्फा इधर आ गया निकल के बाहर, वाइज लॉग 2 इक्वल टू ए बी। क्लियर है बच्चों? अब देखिए लॉग 2 ओवर 2 लॉग 2 अलग कर लीजिए, लॉग 3 ओवर 2 लॉग 2 अलग कर लीजिए इक्वल टू ए बी। लॉग 2 से लॉग 2 कैंसिल हुआ तो क्या बचा 1/2, और इधर ये 1/2। बच्चों इस लॉग 3 बे लॉग 3 ओवर लॉग 2 को लॉग 3 बेस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, इस लॉग 3 ओवर लॉग 2 को लॉग 3 बेस 2 नहीं लिख सकते? अरे जब हम लॉग 5 बेस 4 को ये लिख सकते हैं तो सेम अब उल्टा भी तो कर सकते हैं ना। ठीक, तो चलिए 1/2 उधर चला गया, ए बी माइनस हाफ, ये 1/2 लॉग 3 बेस 2, ये क्या बन जाएगा 2ab-1/2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो क्या बना लॉग 3 बेस 2 इक्वल टू 2ab। बेसिकली मुझे चाहिए लॉग 2 बेस 3, नहीं कि लॉग 3 बेस 2 नहीं चाहिए, लॉग 2 बेस 3 चाहिए। तो ठीक है, अब इसको मैं अगर उल्टा कर दूं तो 1 ओवर लॉग 2 बेस 3 बन जाएगा कि नहीं? बच्चों मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया था, लॉग एक्स बेस ए को हम इस ढंग से लिख सकते हैं, बताया था कि नहीं? तो ये नीचे आगे क्या हो जाएगा, लॉग 2 बेस 3 इक्वल टू दिस, सो लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल टू 1 ओवर 2ab-1। अरे ये उधर गया और वो 1 के नीचे आ गया। बोलो बच्चों, क्लियर हुई या नहीं हुई बात? चलिए इसको नोट करिए, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 2 देखिए क्या है। इफ लॉग ए बेस 5 इंटू लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू 2, देन एक्स इज इक्वल टू। ठीक, चलिए बेस चेंज, फिर वही सॉरी बेस चेंज नहीं, इसे लॉग ए बेस 5 को क्या लिख सकते हैं, लॉग ए ओवर लॉग 5, लॉग एक्स बेस ए को क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स ओवर लॉग ए, लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हुआ, क्या बचा लॉग एक्स ओवर लॉग 5 इक्वल टू 2। इसको क्या लिख सकते हैं हम, इनको लॉग एक्स बेस 5 लिख सकते हैं कि नहीं, इक्वल टू 2, तो यहां से क्या हो गया एक्स इक्वल टू 5 की पावर 2 यानी कि 25। बोलो बच्चों, अब ये क्या फॉर्मूला जी, ये बताया था मैंने आपको, ध्यान हो तो लॉग में लॉग एक्स बेस इक्वल टू वाई अगर है तो ये एक्स इक्वल टू ए की पावर वाई हो जाता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इनवर्स फंक्शन होते हैं दोनों एक दूसरे, ये फॉर्मूला बताया था कि नहीं? बच्चों लॉग फंक्शन जो है फॉर्मूलों का गेम है, इनको बस कैसे अप्लाई करना है ये सीखना आपको। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 3 लॉग 81 ओवर 80 प्लस 5 लॉग 25 ओवर 24 प्लस 7 लॉग 16 ओवर 15, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, कैसे निकलेगी देखिए बच्चों, 3 बाहर आ गया, इसे लॉग 81 ओवर 80 को मैं लॉग 81 माइनस लॉग 80 लिख दूंगा, इधर 5 बाहर आ गया लॉग 25 माइनस लॉग 24, 7 बाहर आ गया लॉग 16 माइनस लॉग 15 लिख सकता हूँ कि नहीं? अरे लॉग एम ओवर एन को लॉग एम माइनस लॉग एन लिखेंगे, यस। अब देखिए इस 81 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लॉग 3 की पावर 4 माइनस इस 80 को क्या लिख सकता हूँ,
मतलब ये है कि छोटी से छोटी वैल्यूज में हमें कन्वर्ट करना है इन सारे फैक्टर्स को। तो 80 को क्या लिख सकते हैं हम 16 into 5, और 16 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 2 की पावर 4 into 5, यानी कि 16 into 5, क्लियर है। फिर प्लस 5 log 25 को 5 स्क्वायर, माइनस 24 को क्या लिख सकते हैं 8 into 3, 8 क्या हो जाएगा 2 cube into 3। प्लस 7 log 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, माइनस log 15 को सिंपल 3 into 5, ठीक है बच्चों यहां तक। अब आइए फिर 3 बाहर है, log 3 की पावर 4 को 4 log 3 लिख देंगे, अरे log m की पावर अल्फा इक्वल टू अल्फा log m होता है कि नहीं, माइनस। अब ध्यान से देखना, इस ये m हो गया 2 की पावर 4 और 5 n हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं log m प्लस log n लिख सकते हैं कि नहीं, अरे ये 2 की पावर 4 को m मानो और 5 को n मानो, तो log m n को log m प्लस log n लिखेंगे कि नहीं, ऐसे प्लस 5 के बाहर log 5 स्क्वायर को 2 log 5, माइनस अगेन फिर वही log 2 का क्यूब प्लस log 3 लिखेंगे इसको, प्लस 7 log 2 की पावर 4 को 4 log 2, माइनस log mn को log n प्लस log n, ठीक है बच्चों। फिर आइए 3, 4 log 3 इसे क्या लिख दूंगा मैं, अब ये माइनस साइन इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा ना, 4 log 2 माइनस ये log 5 प्लस 5, 2 log 5 देखो ये माइनस, इसको माइनस करूंगा तो 3 log 2 आ जाएगा, और ये अंदर फिर माइनस log 3 प्लस 7 4 log 2, इसे क्या माइनस log 3 माइनस log 5। अब पूरे को सिंपलीफाई करिए, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करिए, 3 into 4 12 log 3 12 log 2 3 log 5, सब पूरे को सिंपलीफाई कर लो, और सिंपलीफाई करने के बाद आंसर बचेगा बच्चों कितना log 2, बाकी log 3 log 5 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है, कर लीजिए नोट इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, यस प्रॉब्लम नंबर 4 देखिए, लेट fx इक्वल टू अंडर रूट log x स्क्वायर बेस 10, द सेट ऑफ ऑल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच fx इज रियल, यानी कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू बतानी है जिसके लिए आपका फंक्शन रियल हो। तो देखिए बच्चों अंडरस्टूड सी बात है क्या, देखो इधर जल्दी से, log x स्क्वायर बेस 10 चूंकि अंडर रूट में है तो ये 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो बच्चों भाई, ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो सिंपल x स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 0 हो गया ये। अगर यहीं पे बच्चों ये बेस 10 की बजाय 1 से छोटा होता, जैसे यहाँ बेस 1/2 होता, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती, क्या हो जाती है, x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/2 की पावर 0 हो जाती, ये ध्यान मैंने बताया फॉर्मूले में, इनइक्वालिटी हमारी सेम तभी रहेगी जब बेस 1 से बड़ा है, बेस 1 से छोटा होता तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती। खैर बेस 1 से बड़ा है तो x स्क्वायर ग्रेटर देन 10 की पावर 0, यानी कि 10 की पावर 0 मींस 1, x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इसके फैक्टर हो गए, और ये क्रिटिकल पॉइंट 1 और माइनस 1, प्लस माइनस प्लस, मुझे पूरी संख्या पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव कहाँ है, माइनस 1 से इधर है और 1 से इधर है, यानी कि माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से प्लस इंफिनिटी, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, 5 नंबर, द सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच 2 की पावर log x माइनस 1 बेस रूट 2 ग्रेटर देन x प्लस 5, ठीक बच्चों, मैं इसे कैसा लिख सकता हूं, 2 की पावर log x माइनस 1 2 की पावर अंडर रूट को 2 की पावर हाफ लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो जल्दी से। अब इधर ध्यान से देखना जरा, log x माइनस 1 2 की पावर हाफ, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था log m बेस की पावर बीटा 1/β log m बेस a, फॉर्मूला बताया था कि नहीं, ध्यान हो तो फॉर्मूले जरूर रिकॉल कर लो, log m a की पावर बेस की पावर बीटा, तो 1/β log m बेस a हो गया था, इसे क्या लिखूंगा मैं 1/β, बीटा कितना है 1/2 log x माइनस 1, तो ऊपर जाके ये 2 हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना, बोलो बच्चों, तो मैंने वही करा है,
तो ये देखिए 2 की पावर ट्वाइस लॉग 2x-1 ग्रेटर देन दिस। और ये बच्चों 2 जो है ये 2 कहाँ चला जाएगा, ये घूम के 2 इधर आ जाएगा। अरे कैसे है? देखो इधर लॉग एन की पावर अल्फा बेस ए, अल्फा लॉग एन बेस ए बताते हैं हम कि नहीं। अब अगर कोई संख्या ऐसे लिख रखी है तो उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अल्फा को धर ले जाओ। बोलो यस, ये क्या बन गया 2 की पावर लॉग एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बेस 2 ग्रेटर देन एक्स प्लस 5। और बच्चों आपको ध्यान हो तो मैंने एक फॉर्मूला ये भी बताया था, लॉग एक्स बेस ए इक्वल टू एक्स होता है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, बताया था कि नहीं। तो भैया 2 की पावर लॉग 2 ये तो 1 हो गया, तो ये क्या बना एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर ग्रेटर देन एक्स प्लस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आपकी सीधी सीधी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। फैक्टर का क्या है, एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0, क्रिटिकल पॉइंट 4 एंड माइनस 1 आया, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, क्लियर। मुझे तो पॉजिटिव चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 4 से प्लस इंफिनिटी। तो आप देख रहे हो बच्चों एक एक प्रॉब्लम में कितने कितने कॉन्सेप्ट लग रहे हैं। अगर आपको ये चीजें पता है, आपने रिकॉल करे हैं फॉर्मूले, तो ही प्रॉब्लम होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए भाई बच्चों देखिए, यस प्रॉब्लम नंबर 6 क्या है, देखिए इधर इफ एक्स वन ग्रेटर देन एक्स एन माइनस 1 ग्रेटर देन एक्स एन माइनस 2 ग्रेटर देन दिस ग्रेटर देन एक्स वन ग्रेटर देन 1, ठीक ये कंडीशन है। देन द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ, बहुत प्रॉब्लम बड़ी अजीब सी है, तिरछी सी आंसर है एक लाइन का, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ। देखिए लॉग एक्स वन ये बेस में है, लॉग एक्स टू बेस में है, लॉग एक्स थ्री बेस में है, डैश 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 लॉग एक्स एन बेस में है। अब ये लॉग एक्स एन इसके साथ है, यानी कि लॉग एक्स एन बेस एक्स एन, और ये एक्स एन की पावर क्या है बच्चों ऊपर एक्स की पावर एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 अप टू एन एक्स 1 तक, यानी कि एक्स की पावर एन जो है एक्स की पावर एन माइनस 1 से एक्स 1 तक चला गया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। एक बच्चों इसका छोटा सा रूप देखो, क्या 3 तक देखो, log x1 बेस में है, log x2 बेस में है, फिर log x3 और फिर x3 की पावर x2 की पावर x1, ठीक। इसे हम कैसा लिख सकते हैं, log x1 log x2, ये जो x3 की पावर है बच्चों ये x2 की पावर x1 ये इधर आ जाएगी कि नहीं, कैसे, अरे log x की पावर अल्फा, तो अल्फा log x ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये x3 की पावर जो है इसको इधर लिया है, तो इधर जब ले आएंगे तो ये x2 की पावर x1 इधर आ गया, और ये क्या बचा log x3 बेस x3, और ये हो गया कितना 1 हो गया है। अब क्या बची प्रॉब्लम, log x1 log x2 और x2 की पावर x1, ठीक है बच्चों। अब फिर इस x1 को उठा के इधर ले आओ तो क्या बनेगा, ये log x1 बेस में है ये, और ये x1 और ये log ये बचा था x2 बेस x2, तो log x2 बेस x2 log x1 बेस x1 क्या बन जाएंगे 1 1 हो जाएंगे, तो आंसर बनाया कि नहीं। तो इसी ढंग से x की पावर n माइनस 1 से ऊपर की सारी पावर इधर आएगी, फिर x की पावर n माइनस 2 से इधर आएगी, करते करते लास्ट में x1 बचेगा यहाँ, तो log x1 बेस x1 और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्लियर है बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखिए, x की पावर log a बेस x, log y बेस a बेस a, log z बेस y इज इक्वल, किसके इक्वल होगा, तो सिंपल log a बेस x कौन, log a ओवर log x, log y ओवर log a, log z ओवर log y लिख सकते हैं, और x की पावर में ही है सब, ये log a से log a कैंसिल, log y से log y कैंसिल, तो क्या बचा x की पावर log z ओवर log x, x की पावर बच्चों log z ओवर log x को मैं log z बेस x लिख सकता हूं कि नहीं, बोलो। और ये वैल्यू log x, ये x की पावर log x, यानी कि 1 बन जाएगी, तो आंसर आपका z आएगा कि नहीं आएगा, बोलिए, करिए नोट इसको जल्दी से। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट, दो प्रॉब्लम और है ये, यस
द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लॉग एक्स प्लस फाइव बेस टू इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्स प्लस फाइव को टू की पावर सिक्स माइनस एक्स। अब इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों, देखिए एक तरफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक तरफ एल्जेब्रिक फंक्शन है, ठीक। जब अलग अलग टाइप के फंक्शन हो तो उन्हें करने के दो ही तरीके होते हैं, एक हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। क्लियर है? तो हिट एंड ट्रायल मेथड में तो वो ये वैल्यू रख रख के चेक करेंगे। तो आप रखिए एक्स इक्वल टू थ्री दोनों में रखिए, इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एट आया, इधर रखेंगे इधर भी एट आया। लेकिन अब सवाल ये है कि आप कैसे करेंगे। तो वैसे बच्चों जनरली सॉल्यूशन जो सॉरी प्रॉब्लम है वो ऑब्जेक्टिव में आती है, एक आइडिया लग जाता। सेकंड थिंग नहीं है तो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। कैसे आइडिया लग जाएगा, एक हल्का सा मैं आपको आइडिया दे दूं, ध्यान से सुनिए। टू की पावर सिक्स माइनस एक्स, इसका जो ग्राफ है बच्चों वो लगभग ऐसे आएगा इस ढंग से, और y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, दो फंक्शन अलग अलग हो गए ना भाई, y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव इसका अलग बनाओ और y इक्वल टू टू की पावर सिक्स माइनस एक्स इसका अलग बनाओ। तो y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का आपका क्या होगा, लगभग लगभग आप ये समझ लीजिए y इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, एक्स को जीरो रखेंगे y की वैल्यू आएगी फाइव, और y को जीरो रखेंगे माइनस फाइव, यस ये ऐसे आएगा नंबर, ऐसे ग्राफ है। तो बच्चों ऐसे ग्राफ आने से क्या है, आइडिया लग जाएगा हमें, एक आइडिया हमें लग गया कि ये एक्स है वाई एक्सिस के नियर अबाउट है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो है वो एक दो तीन चार इस ढंग से ही आएगी। आप हिट एंड ट्रायल इस देखिए ग्राफिकल मेथड से एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया करती बच्चों, सिर्फ ग्राफिकल मेथड से ये पता चल जाएगा। जैसे इसी में पूछा उसने द नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे थे कि कितने सॉल्यूशन होंगे इसके, तो इसका सॉल्यूशन एक आया, सॉल्यूशन वही तो होगा ना जहां दोनों कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों की वैल्यू जहां पर सेम हो जाए वही तो सॉल्यूशन हुआ ना। इससे हमें आइडिया लगता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता। एग्जैक्टली के लिए आपको हिट एंड ट्रायल ही यूज करना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट आइए, द नंबर ऑफ रियल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर के फॉर विच log x बेस 16 का होल स्क्वायर माइनस log x बेस 16 प्लस log k बेस 16 इक्वल टू जीरो विद रियल कोफिशियंट विल हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। क्या कह रहा है ये, अगर इस इक्वेशन का केवल एक सॉल्यूशन हो तो k की वैल्यू क्या होगी, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन, एक से अधिक नहीं, रियल सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा होगा पक्का, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अगर हमें इसके रूट निकालने हो तो कैसे करते थे हम भैया, तो इसके फैक्टर कर ले, फैक्टर करके रूट आ जाएंगे। अगर फैक्टर नहीं होते तो हम ये श्री धराचार्य मेथड आपने पढ़ा होगा पक्का, बोलो क्या था वो, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ओवर टू ए, पढ़ा था कि नहीं? बस यही मैं लगा रहा हूं इसमें, ये जो log x बेस 16 है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इक्वल टू इसका कोफिशियंट, यानी कि इसका कोफिशियंट मी 20, बी बी कितना है माइनस वन, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर, ए कितना है, ए है आपका इसका कोफिशियंट वन, और c कितना है log k बेस 16 ओवर टू। बात कुछ क्लियर हुई या नहीं हुई? तो यहां मुझे log x बेस 16 इक्वल टू दिस मिल गया, ठीक। अब वो क्या कह रहा है, किसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों एक सॉल्यूशन यानी कि दिस इज इक्वल टू एक सॉल्यूशन कैसे हो सकता है, तो वन प्लस माइनस के अंदर दे रखी है चीजें, बोलो। तो भैया एक सॉल्यूशन केवल तभी हो सकता है जब ये अंडर रूट के अंदर की वैल्यू जीरो हो जाए। अब अगर ये वैल्यू जीरो हो गई तो भैया log x बेस 16 इक्वल टू सिंपल 1/2 और x इक्वल टू 16 की पावर हाफ, इस ढंग से मतलब मान लो, तो हमें एक सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला, एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन मिलेगा उस केस में। अब वैसे भी आप देखा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने अगर पढ़ी हो तो भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अगर जीरो है तो उसके दोनों रूट इक्वल होते हैं। अब चूंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एग्जैक्टली वन हैविंग वन रूट, एग्जैक्टली हैविंग वन रूट का मतलब समझ रहे हो,
यानी कि जो दोनों रूट है वो इक्वल है उसके, तभी तो वन रूट होगा वो। तो भैया कब होगा ऐसा? ऐसा तभी होगा जब उसका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को जीरो कर दूं मैं। इसको मैंने जीरो कर दिया, यहां से फोर लॉग के बेस 16 इक्वल टू वन, फिर ये फोर उधर चला गया के ऊपर, के की पावर फोर बेस 16 इक्वल टू वन, के की पावर फोर इक्वल टू क्या करेंगे हम 16 की पावर वन करेंगे कि नहीं करेंगे ये बोलो। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, के स्क्वायर इक्वल टू फोर, सो के इक्वल टू प्लस माइनस टू। तो दियर आर नंबर ऑफ सॉरी दियर आर टू सॉल्यूशन, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि के की वैल्यू कितनी होंगी, दो वैल्यू होंगी के। अगर ये बच्चों बहुत क्लियर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तब ये चीजें क्लियर होंगी। 11th क्लास में बस सिर्फ यही समस्या होती है, चूंकि हम पहला दूसरा चैप्टर पढ़ने के बाद जब हम आईआईटी की तरफ जाते हैं तो प्रॉब्लम मिक्स होती है, पता चला प्रॉब्लम तीसरे चैप्टर की है और कॉन्सेप्ट 12th का भी लग रहा है उसमें, बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं। तो इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हमें टाइम टू टाइम सीखनी पड़ेंगी, करिए नोट बच्चों इसको। चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। यस, क्या है, द सेट द सॉल्यूशन सेट ऑफ लॉग अंडर उसमें मोड में है 4-5x बेस 2 ग्रेटर देन 2। तो क्या हो जाएगा साहब, 4-5x का मोड ग्रेटर देन 2 की पावर 2 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि ग्रेटर देन 4। तो ये बच्चों अब नॉर्मल प्रॉब्लम हो गई मोड इनइक्वालिटी की, और मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम कराई है, तो आप कर लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट 4/5 हुआ पहला केस, x लेस देन 4/5 दूसरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 पहला केस। जब हम 4/5 से छोटा लेंगे तो ये मॉड की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, रख के देख लेना 4/5 से कोई छोटी वैल्यू, तो यहां से आया x लेस देन 0। अब देखिए आया क्या, x लेस देन 0 केस क्या ले रखा था, ये दोनों को प्लॉट करिए 0 और 4/5 लेस देन 0 ले क्या रखा है लेस देन 4/5, तो दोनों का कॉमन यही तो होगा जहां दोनों लाइनें ओवरलैप हो रही हैं, तो क्या आंसर हुआ माइनस इंफिनिटी से 0। अब आइए सेकंड केस, एक्स ग्रेटर देन 4/5 4/5 से कोई बड़ी वैल्यू रखूंगा तो ये कैसा सीन आएगा, ये नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का मतलब माइनस 4 + 5x ग्रेटर देन 4, तो यहाँ 5x ग्रेटर देन 8, x ग्रेटर देन 8/5। अगेन केस क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4/5 आया क्या है ग्रेटर देन 8/5, दोनों को वो करिए प्लॉट करिए 8/5 4/5 ग्रेटर देन 8/5 ग्रेटर देन 4/5, तो दोनों का कॉमन क्या आया 8/5 से प्लस इंफिनिटी आया कि नहीं आया। और बच्चों यहाँ पर आपको बताया था मैंने कि दिस और दिस होता है तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, इसको और इसमें दोनों में यूनियन लगा दीजिए, क्लियर है। आइए इधर, द सेट ऑफ रियल वैल्यू ऑफ x फॉर विच log x प्लस 2/x बेस पॉइंट 2 लेस देन इक्वल टू 1 बेस पॉइंट 2 लेस देन इक्वल टू 1, हमें x की वैल्यू बतानी है। तो क्या होगा बच्चों देखिए बहुत जल्दी से, दो कंडीशन आएंगी, पहली कंडीशन तो x प्लस 2/x 0 से बड़ा होना चाहिए, अरे log फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, log x बेस a में x 0 से बड़ा होना चाहिए ना, तो x की जगह पर अगर पूरा आ रहा है x प्लस 2/x तो 0 से बड़ा होगा कि नहीं। सेकंड थिंग, अब x प्लस 2/x जल्दी देखो ग्रेटर देन पॉइंट 2 की पावर 1, ये इधर चला जाएगा पॉइंट 2 की पावर 1। अब आप कहेंगे यहाँ तो लेस देन था यहाँ ग्रेटर क्यों कर दिया, मैंने थोड़ी देर पहले बच्चों बताया था ना अगर बेस हमारा 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, पॉइंट 2 की पावर 1 को क्या लिख सकते हैं हम पॉइंट टू का मतलब 2/10, जल्दी बोलो। अब 2/10 को इधर ले जाओ, इधर लाने के बाद हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आई प्रॉब्लम 8x + 20/10x, रेशनल इनइक्वेशन बन गई बच्चों, लॉग का काम खत्म हो गया। आपको रेशनल इनइक्वेशन बहुत बढ़िया ढंग से पहले पढ़ाई है, अब क्या करेंगे, दो संख्याओं का डिवीजन 0 या 0 से बड़ा है कब होगा, जब दोनों बड़ी हो या दोनों छोटी। तो मैंने क्या करा, मुझे पता तो है नहीं अब कौन सी बड़ी कौन सी छोटी, नीचे वाली को
यानी कि एक से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाली संख्या पॉजिटिव कर ली। अब चूंकि नीचे की पॉजिटिव है तो ऊपर की पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, 0 एंड -20/8। -20/8 को -5/2 लिख देंगे कि नहीं, बोलो बच्चों। तो फिर वही साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस, मुझे पूरा का पूरा सिस्टम 0 या 0 से बड़ा चाहिए। तो 0 या 0 से बड़ा कहाँ पे है, -5/2 से इधर और 0 के उधर, बोलो बच्चों। तो क्या आंसर हुआ, -∞ से -5/2 यूनियन 0 से +∞, इस पार्ट का आंसर ये हुआ। अब इस पार्ट में आइए, x+2/x > 0, फिर वही सेम सीन, दो संख्याओं का डिवीजन 0 से बड़ा कब, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव। मैंने x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके नीचे वाली संख्या पॉजिटिव कर ली, ऊपर की संख्या क्या हुई, x x+2 > 0, क्रिटिकल पॉइंट 0 - 2। जल्दी बोलो बच्चों, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस प्लस क्या होगा, -∞ से -2। अरे आप सोचो, पूरी संख्या मुझे 0 से बड़ी चाहिए ना, तो -∞ से -2 यूनियन 0 से +∞। बच्चों ये कौन सा आंसर आया है, ये आया है दूसरे केस का, ध्यान से सुनना, ये दूसरे केस का और ये है पहले केस का, और बीच में क्या है, एंड, बीच में क्या है, एंड। इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका और इसका दोनों का कॉमन चाहिए, तो दोनों का कॉमन कैसे मिलेगा, मिलेगा कैसे, प्लॉट करिए, देखिए क्रिटिकल पॉइंट 0 -2 और ये -5/2 ये आ गया। अब देखिए इस वाले केस को, क्या है ये, -2 -∞ से -2, तो -2 से इधर आइए, फिर क्या है, 0 से +∞ इधर जाइए, दूसरा -∞ से -5/2 ये इधर आइए, और 0 से +∞ इधर आइए। तो बच्चों दो लाइन हमारी कहाँ ओवरलैप हो रही है, वही तो मुझे चाहिए, दोनों का कॉमन इसका और इसका, दो लाइन हमारी ओवरलैप हो रही है, -5/2 से इधर और 0 के इधर, बोलो। तो -∞ से -5/2 यूनियन 0 से +∞, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। बोलिए बच्चों, क्लियर हुई या नहीं हुई बात, करिए नोट जल्दी से इसको। चलिए बच्चों देखिए, ये दो प्रॉब्लम मैंने आपको होमवर्क में दी हैं, द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग लॉग x²-6x+12 बेस हाफ > -2। जब बच्चों दिस इक्वल टू हाफ की पावर -2 करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि बेस 1 से छोटा है। फिर है इफ लॉग x-1 बेस 0.04 > log x-1 बेस 0.2 देन एक्स बिलोंग्स टू, ये इनके आंसर लिखे। अब बच्चों देखिए, इसके अलग भी लॉग की और भी बहुत प्रॉब्लम्स थी। कैसी प्रॉब्लम्स थी लॉग की, जिसमें मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का एप्लीकेशन है, जिसमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इन सब का मिक्सचर है। मैंने आपको सिर्फ अभी तक लॉग की वो प्रॉब्लम्स कराई हैं जो 11th क्लास में बच्चे पहले 2-3 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उनके ही बिहाफ पे हुई है, केवल पहले 2 चैप्टर के बिहाफ पे। इवन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का भी मैंने इसमें यूज नहीं किया है। तो बच्चों कोई बात नहीं, जब हम आगे के फंक्शन पढ़ लेंगे फिर जो बची हुई प्रॉब्लम्स है फिर हमारी हो जाएंगी। आज के लिए सफिशियंट है, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।